अरमान अभीरा के रिश्ते को लगी किसकी नजर, करवा चौथ के दिन दोनों में होगी भयंकर लड़ाई। वाल दोस्तों बता रहे कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, दर्शकों को खूब सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में दिखाया जा रहा है कि अभीरा माँ नहीं बन सकती थी, इस वजह से विद्या अरमान की शादी अभीरा से नहीं होने देना चाहती थी। हालांकि अरमान सबके खिलाफ जाकर अभीरा से शादी करता है। वहीं अब अभीरा को जब पता चलता है कि वो माँ बन सकती है, वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत खुश है और ये खुशी अभीरा अरमान से शेयर नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कि जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो ये बात नहीं बताना चाहती। वेल सीरियल में दिखाया जाएगा कि अभीरा अपनी प्रेगनेंसी अरमान से छिपाने की वजह से खुद को दोषी महसूस कर रही हैं। वो अरमान को बताना चाहती हैं लेकिन बता नहीं पा रही हैं। करवा चौथ के एपिसोड में दर्शकों को खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। आर्यन के प्रैंक वीडियो से पता चलता है कि अभीरा ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा और इस वजह से अरमान को बुरा लगता है। अरमान को लगता है कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और उसने भी उसके लिए व्रत रखा था लेकिन अभीरा ने उसके लिए व्रत नहीं रखा है। पहले ये रिश्ते क्या कहलाता है दिखाया जाएगा कि अभीरा का करवा चौथ ना करने की वजह से विद्या उसे बुरा भला कहती है। अरमान गुस्से में करवा चौथ की रस्म निभाता है और बाहर चला जाता है। अभीरा उसे समझाने की कोशिश भी करती है और उसे अपने माँ बनने की बात बताना चाहती है, हालांकि अरमान सुनने से मना कर देता है। अभीरा का दिल टूट जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। परिवार वाले भी उसकी बात सुनने से मना कर देते हैं। वही चारू को देखने वाले पोदार हाउस आते हैं। सब कुछ ठीक चलते होता है तभी अभीरा इस शादी को करने से चारू को मना कर देती है। उसकी बात सुनकर लड़के वाले वहां से चले जाने वाले हैं। जी हाँ, हालांकि देखते हैं आने वाले एपिसोड में ऐसा होता है या नहीं। तो गाइस आप कितने एक्साइटेड हैं ये रिश्ता के अपकमिंग ट्रैक को देखने के लिए, गाइस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।